वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इसे फैक्टराइज करना है। सो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो होगा ए स्क्वायर एक्स, और अगर हम इसे स्प्लिट कर दें तो हो जाएगा ए प्लस एक्स इंटू वन, मतलब कि एक्स बाई ए प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए कैंसिल हो जा रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए को हम एक ग्रुप में कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे बचा है ए एक्स प्लस वन को हम लिख सकते हैं ए बाई ए इज इक्वल टू। अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन लें तो बचेगा x प्लस वन बाई ए, और यहां से अगर हम a कॉमन लें तो बचेगा x प्लस वन बाई ए। अब आप x प्लस वन बाई ए कॉमन ले सकते हो, सो अगर हम x प्लस वन बाई ए कॉमन लें तो यहां पे बच रहा है x और यहां पे बच रहा है प्लस a, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।